एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल टैली में हम बैच वाइज डिटेल के माध्यम से किसी भी कंपनी में जो भी हम चाहे रिटेल वर्क कर रहे हैं चाहे हम होलसेल वर्क कर रहे हैं तो हमारे जो स्टॉक आइटम होते हैं उसको हम बैच वाइज या लॉट नंबर के हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को केयरफुली आप लोग देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी सारे पहलू को आप समझ पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें तथा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा टैली की सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट ओपन करके कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैच वाइज डिटेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू पर अवेलेबल हैं। हमने इसमें कुछ एग्जांपल बना रखे हैं, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बैच वाइज डिटेल समझाऊंगा कैसे हमने, चूंकि मैं पिछली वीडियो जो भी बनाया हुआ हूं उसमें मैंने कंप्लीट लेज़र कैसे बनाया जाता है, वाउचर्स कैसे मेंटेन करते हैं, जीएसटी लेज़र हम कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ तक वाउचर कैसे हम मेंटेन करते हैं, बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट कर लेते हैं। बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट करने के लिए F11 पर हम प्रेस करते हैं और यहाँ हम आई प्रेस करें या इन्वेंट्री फीचर्स पर क्लिक कर दें तो इन्वेंट्री फीचर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम एरो कीज़ के माध्यम से डाउन में आ जाएंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, तो यहाँ से हम इसको यस कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे आप मेडिसिन वगैरह पे वर्क कर रहे हैं जिसमें एक्सपायरी मस्ट है देना, तो आप यहाँ सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस के लिए इसको भी यस करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम चलते हैं स्टेटरी टैक्सेशन पर, चूँकि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ से हम जीएसटी को भी एक्टिवेट करके देख लेते हैं। हालांकि मैंने पहले से कर रखा है और जीएसटी की कंप्लीट सेटिंग मैंने पीछे जो हमारी पिछली वीडियोज़ हैं जीएसटी से रिलेटेड उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ है। तो जिसने भी ना देखा हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस वहाँ से प्राप्त कर सकता है या प्लेलिस्ट अगर आप ओपन कर लेते हैं मेरे चैनल पे जा करके तो सारी वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम सेव कर लेते हैं। हम बैक आ जाते हैं, आपको मैं दिखा दूँ जो मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर रखा है इससे रिलेटेड। आप देखें लिस्ट ऑफ लेजर्स में, आप देखें कुछ लेजर्स यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आज बैच वाइज डिटेल समझाएंगे और इसको केयरफुली आप लोग देखेंगे बिकॉज बैच वाइज डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम अपने आइटम्स को बैचेस के माध्यम से अलॉट नंबर के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। हम इन्वेंट्री इन्फो में आपको दिखाते हैं बैच वाइज डिटेल को हम कहाँ से यस नो करते हैं। जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने लगते हैं अब यहाँ अल्टर पर जाएंगे, वहाँ से आप कर पाएंगे। स्टॉक आइटम पर जाएंगे, अल्टर पर चले जाएंगे और यहाँ से सैमसंग M31 जो हमने आइटम क्रिएट कर रखा है यहाँ हम एंटर करते हुए आएंगे। यहाँ आप देखें मेंटेन इन बैचेस, बैचेस को मेंटेन करना आपको, तो यहाँ से आप यस कर लेंगे। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डेट सारा कुछ आपको डालना है तो आप यहाँ इसको भी यस कर लेंगे, अन्यथा हमें बैच वाइज डिटेल बताना है तो उसके लिए हम मेंटेन इन बैचेस को ही यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने पहले से हमने जीएसटी वगैरह का सेटअप सब कर रखा है, इस ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है बिकॉज मैंने पिछली कई सारी वीडियोज इससे रिलेटेड बनाई हुई हैं। हम बैक करके आ जाते हैं, तो ये कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो आपको बना के रखना होगा। हम चलते हैं यहाँ से वाउचर करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम यहाँ F9 प्रेस करेंगे तो हमारा परचेज वाउचर आ जाएगा। चूँकि इन्वेंट्रीज का फीचर है तो इस इनवाइसिंग मोड में हम रखेंगे, आइटम इनवाइस में ही। यहाँ हम सप्लायर इनवाइस नंबर देते हैं, हमारे जो सप्लायर हैं जिनसे हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, SS मोबाइल सेंटर करके हैं, तो इनका हमने कुछ बिल रेफरेंस इनवाइस नंबर डाल दिया। यहाँ चलते हैं पार्टी नेम में, हम SS मोबाइल सेंटर को चुनते हैं, ये हम पहले ही क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो लेजर्स जिसको ना आ रहा हो वो ज़रूर हमारी लेजर्स वाली वीडियोस देख लेगा। और यहाँ हम परचेज, चूँकि हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज लेजर यहाँ चुनेंगे और आइटम को हम यहाँ चुनेंगे सैमसंग M31। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन है तो उसको हम डाल सकते हैं। यहाँ हम देखिए आप देख पा रहे हैं ये आइटम एलोकेशन फॉर सैमसंग M31 बैच पब्लिक लॉट नंबर, चाहे हम बैच नंबर बैच वाइज रखें या लॉट होता है उसी को बैच कह सकते हैं या लॉट कह सकते हैं हम। तो यहाँ से हम एक बैच क्रिएट कर लेंगे, आप देखें बैच 1 बना लिया हमने। हम यहाँ से एंटर करेंगे, क्वांटिटी मान लीजिए हम 10 पीस खरीद रहे हैं और उसका रेट जो है 15,500, यहाँ रेट है पर पीस का रेट है ये, इसको एंटर करेंगे
और यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे। यदि हमारे पास कोई आइटम हो रहा है तो उसको भी हम दे सकते हैं, नहीं नीचे आ गए हैं। यहाँ से हम CGST जो हमारा GST इस पर चार्ज कर रहा है वो हम चुनेंगे, 6% CGST है और 6% ही आपका SGST है, इट मीन्स IGST 12% है। तो इस तरह से हम एंट्री करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं। अगर हमें ड्यू डेट कुछ वगैरह प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ दे सकते हैं, एंटर करते हुए बाहर आ जाते हैं। हमने एक वाउचर क्रिएट कर लिया, अब हम एक नेक्स्ट वाउचर और परचेजिंग का कर ले रहे हैं। एक बैच हमने बना लिया, हम लॉट वाइज व्यवस्थित कर सकते हैं। आप जाते हैं कहीं, जैसे माल खरीदने जाते हैं तो भी लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा नया लॉट आया, इसमें रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ये पुराना लॉट है इसका रेट थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से हम दो बैच क्रिएट कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ फिल रेफरेंस कुछ भी डाल दे रहे हैं, यहाँ हम कैश में पार्टी दे दे रहे हैं कैश, बिकॉज हमें GST पे करना है। तो यहाँ हम कुछ GST डाल देंगे, एंटर करेंगे, परचेज ही कर रहे हैं हम, बिकॉज हम एक से ज़्यादा बैचेस बनाना है इसलिए हम दोबारा आपको ये वाउचर करके दिखा रहे हैं। हम यहाँ चलते हैं, सैमसंग का ही हम खरीद रहे हैं, दूसरी जगह से खरीद रहे हैं या दूसरा लॉट वहीं से ले रहे हैं। तो हम यहाँ चलेंगे, हम यहाँ एक न्यू बैच क्रिएट करेंगे, यहाँ हम जाएंगे, बैच 2 कर लिया हमने, बैच नंबर और लॉट नंबर आप कर सकते हैं। मान लीजिए 10 पीसेस हमने फिर लिया और अब की बार इसका रेट जो हमें मिला 16,200 रुपये, ये पर पीस का रेट हो गया, रेट बढ़ गया है मान लीजिए। तो यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, एंटर करके आते हैं, CGST SGST इसको अप्लाई कर दिया, एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चलते हैं एक सेल करके दिखा देते हैं आपको, फिर बाद में हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हम सेल करके देख लेते हैं, जैसे राहुल कस्टमर है जिसे हम माल सेल कर रहे हैं, तो राहुल को हम यहाँ चुनेंगे और यहाँ एंटर करते हुए आएंगे, एंटर करते हुए यहाँ GST देना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमसे माल परचेज कर रहा है वो भी GST रजिस्टर्ड हो, या जिसे हम माल सेल कर रहे हैं वो भी GST रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ हम चलते हैं, सेल्स लेजर चुन लेते हैं, सैमसंग M31 हमने दिया और हम बैच 1 से माल सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 5 पीस हम सेल कर रहे हैं और इसका रेट हमने रख दिया 17,000 रुपये, एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं CGST हमने दे दिया, SGST हमने दे दिया, इस तरह से हमने जो ये सेलिंग की ये हमने बैच 1 से किया। यहाँ बिल नंबर वगैरह हम डाल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कि हम बैच वाइज बैच का यूज़ करके कैसे माल को परचेज करते हैं तथा बैच का इस्तेमाल करके हम माल को कैसे सेल करते हैं। अब हम चलते हैं रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, आप ध्यान दें किस लॉट में कितना माल बचा हुआ, हम चलते हैं चेक कर लेते हैं, या किस बैच में, कौन से बैच में हमने माल बेचा है, कौन से बैच का, फर्स्ट बैच सेकेंड बैच का। तो यहाँ से चलते हैं डिस्प्ले पर, हम जाते हैं इन्वेंट्री बुक्स पर और यहाँ बैच आपको दिख रहा है, बैच पर हम जा करके यहाँ से एंटर करेंगे, हम आइटम चुनेंगे जिस आइटम का हमें डिटेल जानना है, बैच 1 हम करेंगे और अब चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका जो बैच वाउचर ओपन होकर के आ गया है, यहाँ आपका आइटम डिटेल है, ये कौन से वाउचर में आपने परचेस किया है। तो आप देख पा रहे हैं इनवर्ड आपने कुल किया हुआ था 10 पीसेस, आउटवर्ड जो आपका है 5 पीस है, तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 5 पीस। हम यहाँ सेल का अगर हम डिटेल और चेक करना चाहें तो हम एंटर करके भी चेक कर सकते हैं, बट पैक करके आ जाएंगे, क्योंकि हमें बैच चेक करना है तो बैच वाइज हम देख पा रहे हैं, बैच वाउचर ही हम चेक कर रहे हैं। तो आप देख ले रहे हैं 5 पीस आपने सेल कर दिया, आपके पास क्लोजिंग डिटेल में ये बचा हुआ है 5 पीस, बैक करके आते हैं। इसी तरह से हम बैच 2 में चेक कर लेते हैं, तो अभी बैच 2 में आपने कोई भी सेलिंग नहीं किया हुआ है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ होता है जो आपने इन्वर्ट किया है 10 पीस 1,62,000 का है, और यहाँ बैच 1 में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि 10 पीस जो हमने परचेज किया था तो 1,55,000 का है, मतलब आपका 7,000 महंगा पड़ा है आपका, जो दूसरा आपने परचेज किया बैच 2 में माल थोड़ा महंगा आया हुआ है। तो इस हिसाब से रेट में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएंगे। हम आते हैं अगर हम बैच चेक करना चाहते हैं किस बैच में कितना माल बचा हुआ है, तो स्टॉक में आ जाएंगे, यहाँ से स्टॉक क्वेरी में चले आते हैं, यहाँ से सैमसंग करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं लोकेशन बैच डिटेल में, यदि हमने लोकेशन डाला होता, कोई भी हमने गोडाउन ऐड किया होता तो यहाँ पर शो करता। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैच 1 में अभी 5 पीस बची हुई है आपके पास,
और बैच टू में भी पूरा 10 पीसेज आपके पास बचा हुआ है। तो इस तरह से हम बैच वाइज आइटम्स को चेक कर सकते हैं और बैच वाइज रेट क्या लगा हुआ था उसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका बैच वाइज डिटेल। मैं आशा करता हूँ कि आपको बैच वाइज डिटेल कम्प्लीटली समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, या अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट के द्वारा आप हमें ज़रूर बताएं। आप उसका जो उचित सजेशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, बिकॉज मेरे इस चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्राप्त होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।